नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मी ट्रेनर। मैं हूँ सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 8th ऑफ जून 2020। देखिए, आज की क्लास का एजेंडा है जॉर्ज फ्लॉयड, हिस्ट्री इज बिंग मेड। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ध्यान होगा तो 26th ऑफ मे को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई, 26th ऑफ मे 2020 को, जब एक पुलिस ऑफिसर डेरिक श्रॉविन ने जॉर्ज फ्लॉयड साहब के गले पे अपना घुटने रख दिए और 9 मिनट तक के रखा रहा उन्होंने, तब तक जब तक जॉर्ज फ्लॉयड साहब की मृत्यु नहीं होगी। एक 46 वर्षीय इंसान की मृत्यु इतनी जो ब्रूटली हुई, इसके बाद लोगों का गुस्सा, लोगों का एग्रेशन फूट पड़ा और 26 तारीख के बाद से बीते कल मतलब 7th ऑफ जून 2020 को ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला। आपने देखा हो तो इस बीच में आपने हैशटैग्स भी देखे होंगे, इस तरह से पोस्टर्स भी देखे होंगे आपने, हो सकता है, जैसे कि आई कांट ब्रीथ, जो कि आखिरी लफ्ज थे अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज फ्लॉयड साहब के, जो कि अब नहीं रहे दुनिया में। इसके अलावा ब्लैक लाइव्स मैटर, तो इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के आपको हैशटैग्स भी देखने को मिले होंगे। इन सभी चीज़ों का मतलब मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबीटन सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जा सकते हैं, वहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है ये सौरभ सर ऑफिशियल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आज जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, आप ये देखिएगा, ये रहा वॉशिंगटन डीसी। ये मत भूलिएगा कि ये जून 2020 का टाइम है जहाँ पे पूरी दुनिया में कोरोना का इन्फेक्शन फैला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 70 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के लिए ऑलमोस्ट 70 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड है। दुनिया में नंबर वन पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स, और इस बीच में अगर कई लाखों लाख की आबादी प्रोटेस्ट कर रही है और आप देखिए वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ठीक सामने है, तो कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा होगा। जिस तरह से आपको छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ऐसा बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। ये प्रोटेस्ट जो है बेसिकली रेसिस्ट मर्डर जो हुआ अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज फ्लॉयड साहब, जो मिनियापोलिस की बात है, 26th ऑफ मे को ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई, और इसका प्रोटेस्ट आपको उस दिन से लेके 7th ऑफ जून मतलब बीते कल तक के आज तक प्रोटेस्ट एक्चुअली देखने को मिल रहा है। मैं आपको इसका 3 हफ्ते का जो आपको ये बता देता हूँ, तो कंटिन्यूसली ये 3रा हफ्ता था। लेकिन जो कल का प्रोटेस्ट था, जो संडे का प्रोटेस्ट था, उसमें जो अलग बात थी और पिछले प्रोटेस्ट में, वो ये था, ये आप जो देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये वॉशिंगटन डीसी के पार्क के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी लोग जो लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, ये सभी लोगों ने आई कांट ब्रीद इस तरह से इन लोगों ने एक पोस्टर रखा हुआ है। तो ये इस जो आप प्रोटेस्ट को देखेंगे तो ये एक नॉन वायलेंट गैदरिंग थी। यहाँ पे आपको पुलिस बीटिंग नहीं देखने को मिलेगी, टीयर गैस यूज़ करते हुए पुलिस देखने को नहीं मिलेगी, बेटन यूज़ करते हुए नहीं दिखेगी। सो इट वॉज अ वेरी यू नो नॉन वायलेंट गैदरिंग। जैसा मैंने आपको बताया, ये रहा जॉर्ज फ्लॉयड साहब, जो कि इनकी बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और केस था, एक बहुत ही इनफेमस वीडियो जो था वो वायरल हो गया। मिनियापोलिस, जो मिनियापोलिस के पुलिस ऑफिसर हैं, आगे उनके बारे में बात करते हैं। उनको वैसे मर्डर के लिए बुक कर दिया गया और उनके तीनों दोस्तों को अबेटिंग के चार्ज में, अबेटिंग मतलब हेल्प करने के लिए बुक किया गया। 9 मिनट तक के इन साहब जॉर्ज फ्लॉयड साहब के गले पे डेरिक श्रॉविन ने अपना घुटना दबा के रखा, तब तक, और ये आखिरी में बोलते रहे कि आई कांट ब्रीद। और ये बहुत मतलब देख के आपको इतनी तकलीफ होगी इस वीडियो को। देखिए, अभी जॉर्ज फ्लॉयड साहब जो है, इनका होम टाउन जो है वो हॉस्टन है, और इनको संडे को इनके शरीर को, पार्थिव शरीर को हॉस्टन लेके आया गया, और इसके अलावा पब्लिक व्यूइंग के लिए मंडे को, पिछले मंडे की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी संडे था उसके पिछले मंडे की बात कर रहा हूँ, पब्लिक व्यूइंग के लिए मंडे को इनके शरीर को लोग आके देखे, और प्राइवेट फ्यूनरल हुआ इनका फिर ट्यूसडे को। देखिए, अभी तक ये जो प्रोटेस्ट था मेनली बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल रहा था, अभी ये प्रोटेस्ट ना छोटे शहरों में, स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में, सभी जगहों पे आपको देखने को मिल रहा है। इससे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये, इसका एक इम्प्लिसिट मीनिंग भी है कि काफ़ी लंबे समय तक के ना ये गुस्सा जो है लोगों के अंदर धधक रहा था। इट वॉज स्मीरिंग डीप डाउन द हार्ट। ये मैंने इसलिए बोला कि गुस्सा धधक रहा था क्योंकि प्रोबेबली दिस शोज कि दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, कि जो ब्लैक मतलब अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने ये मैसेज तो बता दिया कि भाई दिस इज़ द टिपिंग पॉइंट। अब हम लोग ये जो डीपली रूटेड इनजस्टिस है US में, स्पेशली जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के खिलाफ, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसी चीज़ को सिंथिया विल्स एस्क्वाडा साहिबा ने, जो कि सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, जो कि बेसिकली पढ़ती हैं इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो माइनॉरिटीज़ में इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसके बारे में बात करती हैं। इन साहिबा ने बोला, देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया के दौर में अपनी बात को कहना,
ये ज़्यादा आसान हो गया। और स्पेशली ये सोशल मीडिया के कारण डेफिनेटली इस प्रोटेस्ट को एक फ़र्क पड़ा है, इस प्रोटेस्ट में फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के कारण भी इस प्रोटेस्ट में डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने देखा हो तो कई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा आपको इस कोरोना के कारण इकोनॉमिक एनजाइटी ना सिर्फ यूएस में, पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। एक अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, जिसका इम्पैक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में कंपेरेटिवली और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सिंथिया विलियम साहिबा ने एक और बात कहा, और उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो ये नहीं बता रहा है कि क्या हुआ, वो तो बता ही रहा है, इसके अलावा ये भी बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक इन जनरल क्या होता आ रहा है। मैंने आपको एक बात बोला कि देखिए आपको इस तरह के बैनर्स, इस तरह के इन साहब ने हुडी पहना हुआ है, इस तरह का हैशटैग आई कांट ब्रीद, ये बहुत देखने को मिलेगा। अभी ये चीज़ डेफिनेटली रिलेटेड तो है 26 मई को जो जॉर्ज फ्लॉयड साहब की हत्या हुई, लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये है वाई दे कांट ब्रीद, ये मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। देखिए ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है अमेरिका में, अमेरिका के सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में, देखिए समझने की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेशनल लीडर नहीं है, कोई भी नेशनल सिंगल ऑब्जेक्टिव, एक कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको इस तरह से लोग देखने को मिलेंगे जहाँ पे लिखा होगा ब्लैक लाइव्स मैटर। आपको एक मैं बीबीसी का कटआउट दिखाता हूँ, ये है बीबीसी का कटआउट, आप इस आर्टिकल को चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं, जॉर्ज फ्लॉयड, ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा इसमें किस तरह से ये जो ब्रूटल मर्डर था। वैसे अब तक मेरे ख्याल से आपने इस वीडियो को देखा होगा, पूरी दुनिया में ये वीडियो तो बहुत सर्कुलेट हुआ। What we know about the officers charged over his death. तो इन चार officers को charge किया गया इस unfortunate event में, George Floyd साहब की मृत्यु में। सबसे पहले जो इंसान है ये है Derek Chauvin, Derek Chauvin को murder के लिए charge किया गया। इसके अलावा Thao, ये रहे मिस्टर Thao, ये रहे मिस्टर Thomas Lane और ये रहे मिस्टर Alexander, इन तीनों को abetting के लिए मतलब help करने में murder के लिए charge किया गया। देखिए जितने भी protest आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इस protest में कहीं ना कहीं अगर आप निकालेंगे points को तो आपको दो तीन पॉइंट्स देखने को जो मिलेंगे कि भाई बंद करो ये सिस्टम, सिस्टमिक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स में बंद करो, और ना सिर्फ यूएस में, आप तो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस में ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी बता रहे हैं कि जो अनइक्वल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जस्टिस का अनइक्वल एडमिनिस्ट्रेशन है ये बंद किया जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि कभी भी जब नेशनल क्राइसिस आता है तो ये जो आप यूज़ कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, ये भी बंद होना चाहिए। मैंने आपको बताया एक सिंगल कोई ऑब्जेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस तरह से भी बोर्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि डिफंडिंग की बात करें कि फंडिंग बंद करो, बिल्कुल आपने देखा होगा तो कि बार बार ये प्रोटेस्टर्स जो है काफ़ी सारी जगहों पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि बंद करो भाई ये पुलिस को फंड करना, बंद करो डिफंडिंग करो, एकदम बिल्कुल बंद कर दो प्रोटेस्ट को। देखो जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो सिविल राइट ग्रुप्स हैं, अगर मैं सभी, अगर आपको कलेक्टिवली मैं इन सभी के पॉइंट्स को तीन चार पॉइंट्स में आपको समझाऊँ ना, तो इन सभी का पॉइंट, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हों और क्रिटिक्स हों, सभी का जो सिविल राइट ग्रुप्स के लोग हैं, इन सभी का जो कहना है वो ये है कि ये जो चोकहोल्ड्स है, चोकहोल्ड मतलब जो मिस्टर Derek Chauvin ने जो किया, जो गला दबा दिया अपने घुटने से, जो अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज फ्लॉयड साहब को जो गला दबा, तब तक दबा के रखा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो इस तरह से चोकहोल्ड जो है नेशनल लेवल पर प्रोहिबिट होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट जो है, ये जो फेडरल प्रोग्राम है कि जो भी लोकल लॉ एनफोर्समेंट बॉडी है वो मिलिट्री के इक्विपमेंट यूज़ कर सकती, ये भी नहीं होना चाहिए, इसको भी, ये जो फेडरल प्रोग्राम है इसको भी बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए। तीसरी चीज़, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, तीसरी चीज़ ये है एक पब्लिक डेटाबेस बनाइए जिसको सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऑफकोर्स इट्स अ पब्लिक डेटाबेस। इस पब्लिक डेटाबेस में वो पुलिस ऑफिसर्स का डेटाबेस होना चाहिए जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं अपने पावर को, ये भी एक बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से तो काफ़ी वैलिड पॉइंट है। और तीसरी चीज़, एक क्वालिफाइड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी को ख़त्म कीजिए। ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी वो चीज़ है, एक वो प्रिंसिपल है, वो डॉक्ट्राइन है जो प्रिवेंट करती है पुलिस को फ्रॉम बीइंग हेल्ड लाइबल इन सर्टेन केसेस जब वो ब्रेक कर रहे हैं लॉ को। तो ये चार आप देखेंगे तो मेजर चीज़ों पे जो बात हो रही है कि चोक होल्ड्स नेशनल लेवल पे बंद होने चाहिए, दूसरी चीज़ जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट है वो मिलिट्री इक्विपमेंट, ये फेडरल जो प्रोग्राम है उसमें ये मिलिट्री इक्विपमेंट यूज़ नहीं करने चाहिए, तीसरी चीज़ वो पुलिस ऑफिसर्स जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर उसका डेटा बेस बनाइए, और वो लोग पब्लिक डेटा बेस होना चाहिए, लोग देख सकते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो क्वालिफाइड इम्यूनिटी को ख़त्म कीजिए। ये चार चीज़ों पर मेन बात हो रही है। देखिए अभी क्या हुआ, इस बीच में मिनियापोलिस सिटी काउंसिल में
तो 13 सिटी काउंसलर्स में से 9 सिटी काउंसलर्स ने, मतलब मेजॉरिटी ने, इस बात को माना कि यस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेजर गलती हुई है, और इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को, जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ये कल की ही बात है, और इसलिए मैंने आज की क्लास का टॉपिक रखा था आप लोगों के लिए ये कि हिस्ट्री इज़ बिंग मेड। तो अभी आप देखेंगे तो 7 जून को ही ये चीज़ देखने को मिली है कि ये बोला गया कि डिसमेंटल कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, एक नया सेफ्टी मॉडल, न्यू मॉडल ऑफ, एग्जैक्टली इन्होंने यही बोला है, इसलिए मैंने डबल कोट्स के अंदर रखा है, न्यू मॉडल ऑफ पब्लिक सेफ्टी जो है ये बनाया जाएगा, राइट। तो यहाँ तक की अभी बात हुई है। जैसा मैंने आपको बताया, ये रहे मिस्टर डेरिक शॉविन, इनको बुक किया गया मर्डर के अंदर, और ये जो बाकी के 3 ऑफिसर हैं, मिस्टर थाओ, मिस्टर थॉमस लेन एंड एलेक्जेंडर, ये तीनों जो है इनको अवेटिंग एंड एडिंग मर्डर, मतलब हेल्प करने में बुक किया गया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सर सिर्फ प्रोटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा इस तरह का प्रोटेस्ट आपको यूके में, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो लंदन में, एजबेस्टन में, ब्रिस्टल में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको स्पेन में मेड्रिड में देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको इटली में रोम में देखने को मिलेगा प्रोटेस्ट। इसी तरह से पोलैंड में वॉरसॉ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हांगकॉन्ग में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भी देखने को मिलेगा। देखिए इनफैक्ट जो लंदन का प्रोटेस्ट था बीते कल, मतलब संडे को, तो वायलेंट, इट वेंट वायलेंट, इनफैक्ट ये इतना खासा, अच्छा खासा वायलेंट हो गया था, विच इज़ अनफॉर्चुनेट कि खुद लंदन के मेयर साहब मिस्टर सादिक खान, ये रहे मिस्टर सादिक खान, इनको आना पड़ा और इन्होंने, इनको बोलना पड़ा कि देखो आई क्लियरली, ये देखो दिस इज़ वॉट ही सेड, आई स्टैंड विद यू, ये रहे लंदन के मेयर मिस्टर सादिक खान, जिनकी मैंने तस्वीर आपको दिखाई, ये रहे सादिक खान साहब ने कहा, आई स्टैंड विथ यू, जॉर्ज फ्लॉयड्स ब्रूटल, दिस इज द वर्ड यूज, ब्रूटल किलिंग मस्ट लीड टू इमीडिएट लास्टिंग चेंज एवरीवेयर। आप देख सकते हैं एकदम कैटेगोरिकली मिस्टर सादिक खान साहब ने बोला। हाँ, इसके साथ उन्होंने एक और बात बोला, लेकिन मैं कंडेम करता हूँ ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है जो वायलेंट टर्न हो जा रहा है, ये गलत है। और एक्टिविस्ट को बोला कि ट्राई करें अपना इंटरेक्शन, जो फिजिकल इंटरेक्शन है उसको लिमिट करने का ट्राई करें। तो देखिए अभी बोरिस जॉनसन साहब की जो सरकार है, हालांकि लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं बिल्कुल आप लोग प्रोटेस्ट ना करें, पब्लिक गैदरिंग ना करें, क्योंकि ये ना बोलें कि कोरोना का टाइम है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि लोग कितना डीपली हर्ट हैं पूरी दुनिया में इस इवेंट से, कि लोगों ने बोला कि कोरोना फोरोना की ऐसी ये तैसी। और अभी आपको देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो एडिनबर्ग में भी इसी तरह की सिमिलर चीज़, एडिनबर्ग मतलब स्कॉटलैंड में, तो एडिनबर्ग में भी आपको सिमिलर प्रोटेस्ट देखने को मिला होगा, ना सिर्फ एडिनबर्ग में, इसके अलावा ब्रिस्टल में। इनफैक्ट ब्रिस्टल में तो इस तरह की फोटोग्राफ, ये अगर आप, ये एक स्टैचू है, ये स्टैचू जो बेसिकली एडवर्ड कॉल्स्टन की है, एडवर्ड कॉल्स्टन जो कि 17th century स्लेव ओनर थे, इनके स्टैचू को उठाया गया, उखाड़ा गया और ऐसे पानी में फेंक दिया गया इनके स्टैचू को। आप समझ सकते हैं कि लोग कितने गुस्से में इस इवेंट से। काफ़ी बार आप देखेंगे तो बोरिस जॉनसन साहब भी कई रेसिस्ट रिमार्क कर देते हैं, जैसे ब्लैक पीपल के लिए वो बोलते हैं पिकनीज विद वाटरमेलन स्माइल, या मुस्लिम वेमेन के लिए वो लेटर बॉक्स बोल देते हैं। अभी तक तो उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन पैन आउट हो रही है ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी उनको भी इस तरह की चीज़ों के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा। एक लास्ट चीज़ से मैं आप और रिलेट कर देता हूँ, ब्लैक लाइव्स मैटर, इस तरह से आपको प्रोटेस्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और बताता हूँ, जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3rd of November तक के ये थमने वाला तो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्मिदर करते रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ब्लैक वोट्स मैटर टू, और ये ट्रंप साहब भी जानते हैं और जो बाइडन साहब भी जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो बाइडन साहब कब का रिटायर कर गए होते। देखिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसमें से, जब 3 नवंबर को इलेक्शन होगा यूएस में राष्ट्रपति पद के लिए, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन एंड विस्कॉन्सिन, इन 3 जगहों पे स्पेशली जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो टोटल नेशनल इलेक्टोरेट का 12% कंप्राइज करती है, अब ये देखना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। खुद मिस्टर ट्रंप ने 2016 में इस बात को कहा था कि जो अपसेट विन था 2016 का ट्रंप साहब का, उसके बाद उन्होंने खुद ही इस चीज़ को स्वीकारा था कि भाई ब्लैक कम्युनिटी जो है ना वो नहीं आई थी हिलरी क्लिंटन के लिए वोट करने के लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का। देखिए ऐसा माना जाता है कि 2016 में ट्रंप साहब को ये जो ब्लैक वोट्स का, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ का 8% वोट मिला था। क्रिटिक्स का और बड़े बड़े जो विचारक हैं उनका कहना है कि इस बार अगर 2% भी उनका वोट मिल जाना ट्रंप साहब को, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टिल इलेक्शन आपको ट्रंप साहब इस मोड में दिखने वाले हैं, चाइना बैशिंग एंड WTO बैशिंग तो वो कर ही रहे हैं, अब तो हटा ही दिया US को। दूसरी बात चाइना बैशिंग के अलावा जो बाइडन साहब का शैमिंग, और तीसरी चीज़ प्रो वाइट मैसेजिंग,
ये आपको तीन मेरे हिसाब से चाइना को बैश करना, जो बाइडेन साहब का शैमिंग, और तीसरा प्रोवाइड जो मैसेजिंग है, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर कट इनके मैसेजेस में 3 नवंबर तक ये दिखने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद कि सर इसका मतलब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 20th, ये जो 2020 का इलेक्शन होने वाला राष्ट्रपति पद का, शायद ट्रम्प साहब के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो इस पर मेरा काउंटर आर्गूमेंट ये भी रहेगा कि 2016 का भी जो राष्ट्रपति पद का जो इलेक्शन था ना, वो भी मिस्टर ट्रम्प के लिए इतना ही डिफिकल्ट था, बट ही केम आउट विक्टोरियस। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। तो ये था इस पूरे टॉपिक के बारे में एनालिसिस, जॉर्ज फ्लॉयड, हिस्ट्री इज़ बीइंग मेड। तो ये था मेरा आज का डिस्कशन। आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, इससे रिलेटेड ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस बारे में, या US के इलेक्शन के बारे में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप अपना जो भी ओपिनियन होगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पोलाइटली लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।